नमस्कार साथियों, इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। राहुल जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? थोड़े शेल शॉक्ड लग रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? हाँ, अच्छा, इसी के कारण है ये? अच्छा अच्छा, ज्यादा लोग आ गए। ओके ओके, नहीं देखिए, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th June। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन June 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं, 1st June मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3rd June को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 June को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा, ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड PM&HM गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू द 5 crore फैमिलीज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट? इज इट देयर जॉब टू गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस? सेकेंड, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors?
who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families. We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोल्स्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया है। बार बार गृह मंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए, आज राहुल जी ने देश को क्रोनोलॉजी समझाया है। इसके ऊपर अगर आपके सवाल हैं तो एक एक करके आप पूछेगा, एक एक करके पूछेगा। आई हैवंट सेड द क्रोनोलॉजी इन इंग्लिश, सो आई विल से द क्रोनोलॉजी इन इंग्लिश। 13th May 2024, द होम मिनिस्टर सेज बाय शेयर्स बिफोर 4th of June। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन टू रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अदर्स टू बाय स्टॉक। 19th May फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन रिपीटेडली अंटिल द 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 1st June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression. And on the 3rd of June, as we all know, the stock market breaks all records and then crashes on the 4th of June. Whoever has made money as the stock market rose and also as the stock market crashed. And we are interested in having a joint parliamentary committee, a JPC, to investigate the role of the Prime Minister, the role of the Home Minister, role of BJP members, and also those people who have done these fake exit polls. And finally, we want to understand who are the people, these foreign investors, who did these trades? So we want an investigation for that. Shukriya Rahul ji. Ah, Sanjay. Rahul ji, इससे पहले भी आपने अदानी इशू पे जेपीसी पिछली लोकसभा में मांग की थी, तो क्या आप चाहेंगे कि ये इशू और हिंडनबर्ग इशू दोनों कंबाइन हो और दोनों की जांच हो? ये जो इशू है, this is a broader issue than just the Adani issue. It is connected to the Adani issue, but this is a much broader issue. This is directly the Prime Minister of India, Home Minister, who are privy to data on actual election results, who have IB reports, who have their own data, who are advising retail investors to buy stock on the 4th. This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that
स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बूम, स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बूम, स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बूम. एंड एट द सेम टाइम ही हैज इंफॉर्मेशन दैट द एग्जिट पोल्स आर रॉन्ग, ही हैज इंफॉर्मेशन दैट ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ही हैज आईबी डेटा एंड ही ऑल्सो हैज हिज ओन पार्टी डेटा. हाँ जी रवि. चैनलों ने मिलकर ये सब चीज़ किया है, जिस तरह से एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से शेयर बाजार में सारा कुछ हुआ है, जी न्यूज़ ने भी इस मामले को उठाया है और बताया है. और आप आपके कहने का सीधा अर्थ है कि अडानी को इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसमें अडानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अडानी से बहुत बड़ी चीज़ है. इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए. उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है. कितने का 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, कितने का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है. और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर. हाँ शेमिन. This is based on the value, market value of all the companies the day before the results came, and the market value of the stock market of all the companies at the end of the day on results. Ah, Sanjeev. Sanjeev. Rahul ji, you've talked about, you know, are you alleging the involvement of the Prime Minister and the Home Minister? Yes. And whose money is it? Yes. Are you saying that is what I am saying? I am saying that people very high up in the BJP have carried out this scam. I am saying they had partners who carried out these exit polls. We would like to know if these exit polls were actually carried out, if people were actually sent out. And we'd also like to know the methodology of these polls. We'd like to understand who these investors are. We have some sense of who these investors are. So we are not just speaking out of the air. We are confident that if an investigation is done, interesting things will be revealed. And we think the Prime Minister and Home Minister are directly involved in this. Ah, Siddharth. जांच होनी चाहिए जिनके शेयर बहुत अप गए, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और जिनके शेयर उसके बाद में बीच में बेचे भी गए, तो इन उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है. प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी. होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं. तो बिल्कुल क्लियर है कि इन 3 लोगों ने कहा है. यह भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है, तो ये हम पता लगाना चाहते हैं. उसमें आप जो कह रहे हो वो भी शामिल है. राहुल जी, ब्रह्म प्रकाश दुबे इंडिया डेली लाइफ से. मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया है इतना बड़ा स्कैम है, पहले भी आपने कई मामले उठाए हैं, जेपीसी की मांग पहले नहीं मांगी गई है, तो क्या आपने कहा ये आपराधिक मामला है, क्या कोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे, क्योंकि आप कह रहे बहुत बड़ा घोटाला है ये? नहीं भैया, मैंने अभी आपको शिकायत दर्ज करेंगे क्योंकि आप कह रहे बहुत बड़ा घोटाला है ये? नहीं भैया, मैंने अभी आपको बोला हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिमांड. अगर नहीं मांगते तो पुलिस में कोर्ट में जाएंगे? जो भी करना है करेंगे, बट हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है,
इसमें प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया है, होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, अदानी जी के चैनल्स के थ्रू इंटरव्यूज किए हैं, और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन लिया है, कंपनीज ने शेयर खरीदे हैं। इसी विषय पर, एक मिनट, इसी विषय पर, इस स्टॉक मार्केट घोटाले पर ही हम सवाल ले रहे हैं। मौसमी, इसी विषय पर कीजिएगा बस, एक मिनट, आ रहा हूँ। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है, तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है, तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वॉटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मुझे मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है उनका, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं, आप चेक, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए, बीजेपी का बैच पहनने की, आप सवाल पूछे ना, नहीं आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात है, सवाल पूछे, मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक, हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की यह पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी नहीं, एक सेकंड, सॉरी, रियलिटी यह है कि हम जेपीसी करवाएंगे, अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट का की सिचुएशन है वो बदल गई है। हाँ जैनेन्द्र, देश भर के जिनका 30 लाख करोड़ डूबा है, उनमें कर्नाटक के, तेलंगाना के, हिमाचल के भी लोग होंगे, तीनों राज्यों में आपकी सरकार है, क्या राज्य की जो जांच एजेंसी है उसके जरिए आप जो उन राज्यों के निवेशकों का कम से कम पैसा डूबा है, ये जो आप पूरे नेक्सस की बात आप कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्या वहां से इसके बारे में उम्मीद कर सकता है? सोचा जा सकता है, बट ऐसी चीज के लिए शायद जेपीसी सही औजार होगा। मोहित, आपने चमत्कार किया, पूछ लीजिए। सर मैं मोहित हूँ, न्यूज नेशन से। नहीं, जानता हूँ। सर, लगातार पिछले घोटालों में भी आपने जेपीसी की बात की थी, आपने हर जांच की बात की, और ये एक बड़ा घोटाला सामने आया, इसमें भी आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि लोग जेपीसी की ये लागू करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जेपीसी लागू करने वाले अगर नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम प्रेशर लगाएंगे, डालेंगे, बट मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इम्प्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है, तो दूसरा नतीजा आएगा। राहुल जी, ये आखिरी आखिरी है क्या, और दो ले लिए? ये आखिरी आखिरी है, आखिरी आखिरी, ये आखिरी हो गया, इन्होंने कह दिया आखिरी। ओके रंजीता, चुनावी जो रैलियां रही हैं उसमें भी और उसके बाद भी, क्या आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने मदद की है उन उद्योगपतियों को और अमीर बनाने में? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको यह बात समझ आ जाएगी, आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं जो
ईमानदार हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी और आपने उन पर भरोसा किया, मगर सच्चाई ये थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी, 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा ये सवाल है और मैं आपसे इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है, और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी किए हैं, वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है इसको देख लीजिए, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।